अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ये वाक्या सरकार वारिस पाक के बचपन का है, जब एक दुल्हन डोली से गायब हो जाती है। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर में मौजूद थे। उस वक्त उस गांव में एक शख्स की शादी थी। सारे बच्चे इकट्ठा होकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए और उनसे शादी में जाने की जिद करने लगे, यानि के बारात में जाने की जिद करने लगे। सरकार वारिस पाक ने अपनी दादी की वजह से बारात में जाने को मना कर दिया कि हम अपनी दादी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ और बारात में होकर आओ। सारे बच्चे ने बहुत इसरार किया, लेकिन सरकार वारिस पाक अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं गए। फिर वो सारे बच्चे बारात में चले गए। दूसरे दिन लड़के वाले जैसे ही दुल्हन को डोली में बिठाकर अपने घर लाए, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ वाले जो बच्चे थे वो बारात से वापस आकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए और उन्हें साथ लेकर दूल्हे के घर दुल्हन देखने पहुंच गए। उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि हम सबसे पहले दुल्हन को देखेंगे, इसलिए सब बच्चे सरकार वारिस पाक को लेकर दूल्हे के घर पहुंच गए। जैसे ही दुल्हन की डोली दूल्हे के घर के पास आकर रुकी, तो सरकार वारिस पाक और सारे बच्चे डोली के पास गए। दूल्हे की माँ जो उस वक्त बड़े गुस्से में थी, जैसे ही उसने बच्चों को देखा जिसमें वारिस पाक भी थे, तो उनसे कहने लगी, तुम सब यहाँ डोली के पास क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से दूर हट जाओ। सब बच्चों ने जो सरकार वारिस पाक के साथ है, उन्होंने सब एक साथ एक आवाज में कहा, हमें दुल्हन देखनी है, हम दुल्हन देखना चाहते हैं। दूल्हे की माँ को गुस्सा आया, उसने बच्चों को भगाते हुए कहा, यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, यहाँ से चले जाओ। बच्चों ने डांट फनकार सुनी तो वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को लेकर वहाँ से चले गए। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथ वाले बच्चों को उदास देखकर खुश नहीं थे, तो आपने मिठाई बांटी ताकि उनका ध्यान वहाँ से हट जाए। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि उदास होने वाली कोई बात नहीं है। जब उन्होंने कहा कि इसमें दुल्हन नहीं है, तो इसमें दुल्हन हरगिज नहीं हो सकती। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बस इतना फरमाना था कि उनके अल्फाज मकबूले बारगाह हो गए। फिर वो करामात हुई जिस पर आम इंसान का यकीन कर पाना मुश्किल है। इधर वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथ वाले बच्चों के साथ मौजूद थे। उधर दूल्हे की माँ ने दुल्हन को निकालने के लिए डोली में झांका, तो वो ऐसा मंजर देखती है जो नाकाबिले यकीन था कि दुल्हन डोली से अपने आप गायब हो गई है। दूल्हे की माँ बहुत परेशान हुई और रोने लगी कि दुल्हन आखिर कहाँ चली गई। दुल्हन की माँ और बहन ने दुल्हन को डोली में बिठाया था, इस दौरान ना डोली कहीं रुकी और ना ही कहीं उतारी गई, तो फिर आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। सबके सब हैरान हो गए और सब अफसोस करने लगे। दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि आखिर मेरी बहू कहाँ चली गई। दुल्हन का यूँ अचानक गायब हो जाने से खुशी का माहौल गम में बदल गया। सब रोने लगे, सब ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। हमने डोली कहीं नहीं रोकी और साथ वाली औरतों ने मिलकर दुल्हन को डोली में बिठाया था, फिर आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो सकती है। सब लोग यही सोच रहे थे आखिर दुल्हन कहाँ गई। उनमें से एक शख्स कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं हमने उन बच्चों को भगाया इस वजह से ऐसा हुआ। वहाँ पर मौजूद बहुत सी औरतें सरकार वारिस पाक को जानती थी और वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम मिठन रखा गया था, क्योंकि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन से मिठाई तकसीम किया करते थे, इसी वजह से आपका नाम मिठन रखा गया था। जब उन औरतों ने ये सुना कि बच्चों को यहाँ से भगाया गया है, तो उन औरतों ने एक साथ बोला, बच्चों में मिठन मियाँ मौजूद थे। तो दूल्हे की माँ बोली, जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, मैंने उन बच्चों को भगा दिया, मुझे लगा ये आम बच्चे हैं। प्यारे दोस्तों, सरकार वारिस पाक की बुजुर्गी बचपन से ही बड़ी मशहूर थी। बचपन से ही लोग आपकी करामात और अखलाक को देखकर ये जानते थे कि आप कोई आम नहीं बल्कि अल्लाह के वली हैं। ये फैसला किया
के मिठन मियां सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह के पास जाए और शायद इस मसले का हल उनसे मिल जाए, क्योंकि अब वही कोई तरकीब बता सकते हैं कि आखिरकार दुल्हन कैसे वापस आ सकती है। सबके सब बाराती दूल्हे की माँ वारिस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह को ढूंढने लगे। सब लोग इकट्ठा होकर सरकार वारिस पाक के घर पहुँचे। आप वारिस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने दादी जान के पास बैठे हुए थे। उनकी दादी सब लोगों को देखकर घबरा गई, तो उन्होंने पूछा क्या बात है। तो दूल्हे की माँ ने सारा वाकया बयान किया कि इस तरह से हमारी दुल्हन गायब हो चुकी है, आप अपने लाडले पोते से दरियाफ्त करें कि हमारी दुल्हन कैसे वापस आएगी। जैसे ही आपकी दादी ने ये सब बात सुना तो सरकार वारिस पाक से कहा, इनकी दुल्हन कैसे वापस आएगी, ये लोग आपके पास मदद के लिए आए हैं, आप इनकी मदद करें। तो आपने दूल्हे की माँ की तरफ इशारा किया कि आपने ही कहा था कि कोई दुल्हन नहीं है, और ये कहकर मुझे और मेरे साथियों को भगा दिया था। जब दुल्हन डोली में नहीं है तो कैसे मिलेगी, अगर दुल्हन डोली में थी तो इन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। सरकार वारिस पाक की ये बात सुनकर दूल्हे की माँ शर्मिंदा हो गई और रोने लगी और कहा, मिठन मियाँ मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि मेरे झूठ बोलने से ऐसी सजा होगी। तो सरकार वारिस पाक बोलते हैं, जाओ बच्चों में मिठाइयाँ बांटो, जैसे मिठाई बांटोगे तुम्हारी दुल्हन मिल जाएगी। तो सब बाराती बच्चों में मिठाई बांटने लगे। जब मिठाई बांट देते हैं तो दूल्हे की माँ डोली में झांक कर देखती है तो दुल्हन मौजूद होती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने देखा सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह की करामात, बचपन से ही इनकी बहुत बड़ी बड़ी करामातें साबित हो रही है। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट में सुभान अल्लाह और अपनी दिली राय जरूर लिखे। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।